आप जानते हैं कि पिछले एक वर्ष में पत्थलगड़ी को लेकर बहुत सारे केस हुए हैं, लोगों पे केस हुए हैं, एफआईआर हुए हैं। और जहां एक तरफ लोगों ने अपना अधिकार जताने की कोशिश की है कि हम पत्थलगड़ी हमारा पारंपरिक अधिकार है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने इसको माना है कि यह एक तरह से सरकार को और सरकार के विरोध में काम है। 17 को ये उद्घाटन हुआ, उनको सूचित किया गया, उस समय उनका रिसीविंग भी हमारे पास है। फिर इस गांव में पांचवी अनुसूची के हक अधिकार के बारे में, आदिवासियों के हक अधिकार के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में भी पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर 28/3/2017 को बैठक हुई, हमेशा होते रहते। तो उस वक्त जब अगर ये संविधान की बातें गलत थी तो उनको एक्शन लेना चाहिए था। न्यूनता जो दल ने पाया स्पष्ट रूप से, और हम लोग मुख्यतः गांव से बात किए, गांव के लोगों से बात किए जाके, और इससे पहले भी कई बार गए थे, तो न्यूनता दल ने जो पाया कि गांव में जो लोगों में भावना है बड़ा स्पष्ट है कि जो सभी ने कहा कि जो खास करके जमीन की नीति को लेके जो बना गुस्सा वो इसमें पत्थलगड़ी का रूप लिया। ये बात नहीं, एक और चीज जो बड़े पैमाने में जो इन्होंने कहा जो मुझे लग रहा है आज के इसमें स्पष्ट था कि इस पे जो सरकार ने जिस तरह से इस पे रिस्पॉन्ड किया, चाहे आप घाघरा में ले लें, उदपुर में ले लें, तुटकरा में ले लें, तो बड़े पैमाने में पुलिस द्वारा हिंसा हुई है। आपको डंडा हने का गांव तो इन रे आपको मुझे लेकिन बोलो था ना इना तो बड़े ही कुड़ के हिजे इन्होंने लेके 100 के ट्रयांग के ने चीर इना तो इन रे खान के आड़ देना घर के अंदर या घर का बाहर, घर के बाहर के अंदर रचा रहे इसका पैर, इसका देखिए पैर इसका ये हो गया, टेढ़ा हो गया, कोता कोता डाल दिए कोता कोता, वो पैर से पीटा इसका, उसका पेट में पीटा गया डालने को, आपका पेट में नहीं पीटा दूसरे लोग भी थे, पैर टूटे काला काला पूरा पेट में पूरा काला, जैसे डंडा मारा था वैसे काला, चमड़ा भी छूट गया इधर। आप हॉस्पिटल नहीं गए, देहात हॉस्पिटल में गए थे, देहात हॉस्पिटल। सो बिफोर दैट अंडर आर्टिकल 19 देर इज डी एंड ई, डी सेज वन कैन मूव एनीवेयर इन इंडिया एंड ई इज वन कैन स्टे देयर परमानेंटली, ठीक है ना। तो व्हाट हैपेंस अगेन दैट फाइव सेज इन केस after coming from the outside anybody comes to the area, it is not mentioned the scheduled area anywhere, and the people living there feels disturbance after his coming, her coming, in that situation there will be a prohibition in D and E. Had it they written it entirety about the constitution, just wouldn't have been any problem. तो एना मेनते आले हिजू कनाले आपेल और जे होबा उतना का उदुबे पे आपे जगह दारा प्रधान को माने एफआईआर में नाम लोग जब उसमें तीन प्रधान भी शामिल हुए, ये सब की बात गांव में, हम ये गए ही नहीं, हमारा कोई इस तरह का एक्टिविटी है नहीं, लेकिन मेरा नाम उसमें दर्ज है, ये सब बात आई है। ये है केस नंबर 8/18 में अड़की, जहां पर प्रधानों उसके बाद आसिन मुंडा, ये सब
गांव के प्रकार एक वहां पर कभी भी कोई तरह का एक्टिविटी में नहीं है फिल्मों का नाम। अंत में मैं कहूंगा कि करीब 14,800 लोग अज्ञात सजेशन के थे। एक राष्ट्रद्रोही एक गलत एक्टिविटी है वो कभी भी अज्ञात नहीं हो सकता। अज्ञात के नाम से सजेशन केस नहीं होना चाहिए। ये हमने प्रशासन के सामने भी रखा, ह्यूमन राइट कमीशन के सामने हम लोग दिल्ली के समय भी रखे और अभी भी हम लोग ये करना चाहते हैं कि जो लोग चिन्हित है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अज्ञात लोगों को जो डराने का, उनके बीच आतंक पैदा करने का, अभी आप जाइएगा गाँव में तो बहुत ही मौज बहुत ही आतंकित है। आम जनता पर जो दमन हो रहे हैं वो मूल है। मामला ये है कि पथलगड़ी का जो मूवमेंट है वो चार चरणों में हुआ है। चार चरणों में जो पथलगड़ी का मूवमेंट हुआ है वो अलग अलग फेज में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग लीडरशिप के माध्यम से हुआ। और किस लीडरशिप के अंदर में कौन चीज गड़बड़ हो गई ये प्रशासन को देखने की जरूरत थी। अगर प्रशासन ने वहाँ उनको लगा कि ये दमन की प्रक्रिया चल रही यहाँ जो लोग गलत कर रहे हैं, तब प्रशासन को उन लोगों को समझाना चाहिए था और प्रशासन को वहीं पर ब्रेकअप करना था। और ब्रेकअप किए बगैर वो प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ गई ये भी प्रशासन के ऊपर एक सवाल है। ये प्रशासन के ऊपर एक सवाल है कि आपकी जिम्मेवारी। डीसी उस इलाका के सर्वे सर्वा होते हैं, डीसी को बिना जानकारी के नहीं हो सकता। हमें तो ऐसी भी जानकारी मिली है कि कई पथलगड़ी के कार्यक्रमों में डीसी को शामिल किया गया है, उनको चिट्ठी लिखी गई है। तो आखिर कहां गड़बड़ी हो गई? आप पत्थल का शिलान्यास कर रहे हैं, झारखंड के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग उस पथलगड़ी में शामिल हुए, किसी ने भी इस पॉइंट को पॉइंट आउट नहीं किया। कारण क्या है ये जानने की जरूरत है, कहां गड़बड़ी हुई ये प्रशासन को पता करने की जरूरत है। महासभा का एक महासभा की राय यह है कि शांति की प्रक्रिया जो है और जो संवाद की जो प्रक्रिया है वो चालू रहनी चाहिए। और पथलगड़ी की जो पारंपरिक जो चलन है उसको मानते हुए, उसको रीति रिवाज को मानते हुए लोगों के साथ संवाद होना चाहिए।